तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जो है देख लिया था कि क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड है। हम क्वेश्चन को करने से पहले ऐसा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जो इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो जाके वीडियो देखें इंट्रोडक्शन वाला, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आइएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी शुरू करने नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे कौन सा सही हम लोग जो है गुणधर्म लगाएंगे जो हम लोग पिछले 2 क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उसी का जो है गुणधर्म को यूज़ करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा आप उसी से सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में है, और ये अकेले सिर्फ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले तो इसको ए मान लेंगे, ठीक है, इसको बी मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे, ठीक है ना। ए और सी को क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे। कैसे, तो देखो -2/3 × 3/5 कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, 3/5 × 1/6, और बच गया कौन, ये बच गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5/2। अब देखो, अब हम लोगों ने इसको जो इस तरह करके लाया है, सी को इधर लाया है, तो कौन से गुणधर्म से हम लोग इस प्रकार किए हैं, तो इसको हम लोग किए हैं सहचार्यता के गुणधर्म से, ठीक है ना। सहचार्यता के नियम से, ठीक है ना। सहचार्यता के नियम से हम लोगों ने पढ़ा था कि a+b-c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a-c+b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको जो है किया है, इसको इधर नीचे में। चलो अब देखते हैं, फिर अब क्या करेंगे, अभी दोनों को देखो, ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो 3/5 और यहाँ पे 3/5 जो है दोनों में आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3/5 जो है इसको कॉमन ले लेंगे, 3/5 कॉमन ले लिए, बच गया क्या, -2/3। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, और यहाँ पे 1/6, आयोग कि आप लोग कॉमन लेने आता होगा, और यहाँ पे जो बच गया है उसको लिख देंगे 5/2, ठीक है ना। तो कॉमन लेने वाला नियम किस में था, ये था वितर्कता में, ठीक है ना। ये किस में था, तो वितर्कता के नियम से है, वितर्कता के नियम से। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज पहले वाला वीडियो देखे तक समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो भी होता है पहले इसको हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बॉडमास पढ़े होंगे आप लोग, बॉडमास पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो बॉडमास के अनुसार से हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। पहला जो होता है वो ब्रैकेट होता है, फिर का होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 3/5 एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे -2/3, यहाँ पे हम लोग पहले एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 3 को 2 बार भाग देंगे तो 6 आएगा, तो और यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो -4 हो जाएगा, और दोनों सेम है तो एज इट इज़ रह जाएगा इधर, और प्लस क्या हो जाएगा, 5/2। अब कोई जो है नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है जो हम लोग अब तक पढ़े हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को अभी तक सॉल्व करना है। -5 हो जाएगा, अपन 6 हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ब्रैकेट को हटाने पर क्या आ जाता है, गुना आ जाता, तो गुना कर देंगे, -5/6 और प्लस में 5/2। तो यहाँ से 3 × 6 कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, -1/2 + 5/2 आ गया। तो यहाँ 2 LCM आ जाएगा, दोनों सेम है तो -1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, और जब इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट जो है वो क्या है, इसको हम लोग और एक विधि से बना सकते हैं, तो वो कौन सा विधि है, ठीक है। इसको हम लोग एक और शॉर्टकट
तरीके से बनाएंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या था। माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव प्लस फाइव अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन सिक्स, ठीक है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग किस विधि से अब सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बर्डमास विधि से, ठीक है। बर्डमास विधि से सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ओ से ऑब्जेक्ट यानी कि का होता है, फिर डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन और ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। यानी कि पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर अगर कहीं का होगा तो का सा का को करेंगे, का मतलब भी क्या होता है, गुना ही होता है, या फिर डिवाइड करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे पहले ब्रैकेट है क्या, कहीं ब्रैकेट नहीं है, का है कहीं पे, का भी नहीं है, भाग है कहीं पे, भाग भी नहीं है, गुना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का काम करेंगे। तो गुना यहाँ पे कैसे करेंगे, तो वो देखो यहाँ पे गुना कर देंगे, माइनस छः हो जाएगा और यहाँ से पाँच दिया पंद्रह हो जाएगा, प्लस पाँच बटा दो हो जाएगा, माइनस में तीन एकम तीन और छः पंचे तीस हो जाएगा, ठीक है। अब जब इन टोटल का जो है एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस में आ गया तो भिन्न वाला भिन्न के रूप में आ गया, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा तीस एलसीएम आ जाएगा इसका। अब डिवाइड करेंगे दो बार में आएगा तो माइनस हो जाएगा बारह, ठीक है ना, प्लस पंद्रह बार में डिवाइड होगा, पंद्रह पचे पचहत्तर हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, तीस तीस सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, तीन ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस पंद्रह हो जाएगा, प्लस पचहत्तर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, तीस आ जाएगा, ठीक है ना। अब पचहत्तर में पंद्रह जाएगा तो कितना बचेगा, साठ बचेगा, और नीचे कितना है, तीस है, तो जीरो से जीरो कट गया, तीन दूनी छः, आ गया आंसर दो, ठीक है ना। तो एक नंबर का आंसर देखो, इस प्रकार भी बनाया है तो इसका आंसर दो आया है, और इस प्रकार से भी बनाया है तो इसका आंसर दो आया है। आपको जो भी अच्छा लगे उस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा, अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है, ये तो और आसान लगता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग किस तरह बनाएंगे, उसी तरह जो पहले वाला बनाए थे। यहाँ पे देखिए तो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जो है ए बी सी मान लेंगे, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, सी मान लेंगे। और वापस से सहचार्यता का नियम यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है ना। सहचार्यता का नियम लगाने का मतलब क्या है कि ए और सी को एक साथ ले आएंगे, ठीक है ना। यानी कि जब एक साथ लाएंगे तो दो बट्टा पाँच हो जाएगा, माइनस तीन बट्टा सात हो जाएगा। फिलहाल इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब इसको इधर ला रहे हैं तो एक बट्टा चौदह इंटू दो बट्टा पाँच, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस दिए, फिर लिखेंगे एक बट्टा छः गुना तीन बट्टा दो। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं कि कौन से नियम से किए हैं ये, सहचार्यता के नियम से, सहचार्यता के नियम से, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसमें और इसमें ध्यान से देखो, एक कॉमन आ रहा है दो बट्टा पाँच और दो बट्टा पाँच, क्या हो रहा है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दो बट्टा पाँच हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे माइनस तीन बट्टा सात प्लस एक बट्टा चौदह बच गया, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बच गया एज इट इज़ उसको यहाँ पे लिख देंगे एक बट्टा छः गुना तीन बट्टा दो, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि ये बर्डमास के रूप में आ गया, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट में देखो ये भिन्न के रूप में है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, सात और चौदह का एलसीएम कितना आ जाएगा, चौदह आ जाएगा, जब इससे दो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भाग देंगे तो दो आएगा, और तीन से गुना करेंगे तो माइनस छः आ जाएगा, प्लस दोनों सेम है तो यहाँ भी एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है सॉल्व, ठीक है। तीन बटा दो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एज इट इज़ इसको रहने देंगे। अब माइनस सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो इन टू आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस फाइव बच जाएगा, अपन चौदह बच जाएगा, और माइनस अब इसको एक साथ हम लोग गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तीन, और छेदना कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, दो सत्य चौदह हो जाएगा, पाँच से पाँच कट जाएगा, माइनस एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। तीन एकम तीन, तीन चौका बारह, कितना आ रहा है, देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है माइनस एक बट्टा सात, और माइनस कितना बचा है, एक बट्टा चार बचा है, ठीक है ना।
यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब देखो सात और चार यहाँ पे क्या आ जा रहा है, भिन्न के रूप में है ना। अब ये देखो भिन्न के रूप में तो सात चार का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, अट्ठाईस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सात को अट्ठाईस से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, चार आएगा। चार को एक से गुणा कर देंगे तो चार ही आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस चार हो जाएगा। माइनस चार से अट्ठाईस को भाग देंगे सात आएगा, एक से गुणा कर देंगे तो सात ही आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सात आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है। यानी साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा और दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि सात चार ग्यारह हो जाएगा और अट्ठाईस हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। बॉडमास विधि से हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसलिए अगर आपको बनाना है, वो भी बनाना है, तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको बाद में कभी बना देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि योज्य प्रतिलोम लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने योज्य प्रतिलोम को जो है पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था कि क्या होता है, उसको कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख भी दिए टॉपिक कि योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग को ऐसे संख्या से जोड़ना है जिसके बाद जोड़ने पर योगफल क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है ना। तो उस समय मैंने बताया था कि जब योज्य प्रतिलोम लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग को साइन को सिर्फ उल्टा कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उधर आंसर इसका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो बटा आठ है तो इसका पूछा है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो सिंपल हो जाएगा क्या, माइनस दो बटा आठ, क्योंकि दो बटा आठ को अगर हम लोग माइनस दो बटा आठ के साथ जोड़ेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि सिर्फ साइन को चेंज कर देना। अगर योज्य प्रतिलोम पूछा तो वहाँ पे क्या करना है, साइन को चेंज कर देना। अगर प्लस में है तो माइनस कर देना है, माइनस में है तो प्लस कर देना, ठीक है। उसी तरह सिंपल पूछा है कि माइनस पाँच बटा नौ का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस पाँच बटा नौ का योज्य प्रतिलोम पाँच बटा नौ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी तरह दोनों में माइनस दे रहेगा, पूछा इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस इस तरह रहता तो कट जाता है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों क्या हो गया कि प्लस में हो गया दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस सिक्स अपन माइनस फाइव नहीं रहा, ये अब छः बटा पाँच हो गया, ठीक है ना, सिक्स अपन फाइव हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे चूंकि दोनों में प्लस आ गया, यहाँ पे मतलब साइन कोई किसी का भी नहीं है, तो यहाँ पे हमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, किसी का नहीं होता है मतलब उसमें प्लस का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन है तो हम लोग को जब योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह दो बटा नौ का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, दो बटा माइनस नौ का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका हो जाएगा दो बटा नौ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है कि 19 बटा माइनस छः का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सिंपल है 19 बटा छः हो जाएगा, तो ठीक है। तो आई होप कि आपको योज्य प्रतिलोम वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं करना, बस सिर्फ साइन को चेंज कर देना, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीरो का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में दे सकता है। तो ये आपको याद रखना कि जो जीरो का योज्य प्रतिलोम होता है वो जीरो ही होता है, क्योंकि माइनस जीरो तो कभी होता नहीं है, ना ही प्लस इस तरह करके जीरो लेते, तो जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जीरो ही होगा, ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो ठीक है, यहाँ तक दो क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कल को करेंगे, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है। और अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है कि जो है सहचारिता का नियम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ये सब नहीं देखा है, तो पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से उसको बताया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं।